भारत सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जींद में उल्टा साबित हो रहा है। एक तरफ जहां बेटियों को पढ़ाने की सरकार द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं, वहीं जींद के एक सरकारी स्कूल में बेटियों से स्कूल में झाड़ू निकलवाई जा रही है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में अध्यापकों द्वारा झाड़ू थमा दी गई है और छोटे बच्चों के हाथों में पानी के कैंपर थमा रखे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि छोटे बच्चे पानी के कैंपर स्कूल के बाहर से लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जींद प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं या झाड़ू निकालने या फिर पानी के कैंपर लाने, ऐसे में कैसे पढ़ेंगी बेटियाँ और कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियाँ। हालांकि यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है और इस पर जिन अध्यापकों ने बच्चों से कैंपर और झाड़ू निकलवाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यह कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का। कल किसका नंबर था? कल किसका नंबर था? कल आपका नंबर था बेटा? पूरा उठाया था आपने? हैं? कौन से मैडम ने बोला था आपको? कौन से मैडम ने बोला था आपको? हैं? कौन से मैडम ने बोला था? हिंदी वाली मैडम ने? संतोष मैडम ने? कौन कौन से ने कहा आपने? क्या कभी से आपने? सारी मैडम को है? हैं? भाई सारे स्कूल में ही हुए के सब स्कूल में ही हो रहा है बुटिया सब स्कूल में यही है सब मैडम बोलती हैं सब क्लास में कौन सी क्लास है ये नाइन्थ है गांव छत्र का स्कूल मेरा ख्याल आप जिस विद्यालय का जिक्र कर रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काफी बड़ा स्कूल है हमारा, वहाँ की प्राचार्य बहुत डायनेमिक हैं और ये ठीक है कि विद्यार्थियों से स्वच्छता का काम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर NSS से या स्वेच्छा से कोई बच्चा इस प्रकार का काम करता है तो इसमें कोई मुझे अर्ज वाली बात भी ज़्यादा सी नज़र आती नहीं है। विभाग संजीदा है इस बारे में कि हमारे विद्यालयों में पूर्णतः सफाई रहे और जल्दी ही माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा ये और मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा भी की गई है कि जल्दी ही स्वास्थ्य सफाई और कर्मचारी हमें मिलेंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है जल्दी ही इस बारे में कोई ना कोई कदम उठाएगी सर। तो सर जो स्टूडेंट छात्र हैं वो झाड़ू निकालते नहीं रहे उसमें पढ़ने आते हैं झाड़ू निकालते? ये बात सही है कि एट द कॉस्ट ऑफ जो स्टडीज हैं जो पेडागोजिकल वर्क है जो सीखने का कार्य है उसके कोस्ट पे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्वेच्छा से स्वच्छता को लेके स्कूल विद्यालय बंद होने के बाद कोई अगर इस प्रकार के स्वच्छता के काम में थोड़ा सा बहुत योगदान करता है क्योंकि सफाई कर्मचारियों का भी पद रिक्त है तो थोड़ा सा इस बारे में धैर्य रखेंगे और उसके बाद कुछ समय के बाद हमें सफाई कर्मचारी मिल जाएंगे, इसकी रिपीटेशन ना हो मैं बात करूंगा आगे। सर स्कूल टाइम में झाड़ू निकलवाई गई है स्कूल का टाइम? मैं इस बात के बारे में एक बार मैं संबंधित प्राचार्य से बात करूंगा और इस प्रकार का कोई विषय कोई किसी की शिकायत है इस बारे में तो निश्चित तौर पर इसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा काम करें। छत्र गांव में सरकारी स्कूल में बच्चों से कैंपर उठाए गए, क्या मामला? अभी आपके माध्यम से मेरी जानकारी में आया है ये मामला और मैं
इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी से इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और इस बारे में जो भी दोषी होगा नियमानुसार विभागीय कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। सर बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उनसे छोटे बच्चे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा आपको, जैसे मैंने बताया पहले कि इस विषय का पहले एक बार जांच करवाएंगे, हो सकता है कि कुछ थोड़ी दूरी के लिए बच्चों के खुद के पानी के लिए दो चार कदम के लिए अगर है तो इसमें कोई डिग्निटी ऑफ लेबर भी झलकता है, लेकिन अगर ज़्यादा दूरी तक बच्चे से कैंपर उठाया गया है तो इसका मैं इस विषय की जांच करवाएंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये विभाग इस बारे में कदम उठाएगा। एक सिंगल स्टैंडर्ड स्कूल है सर, उसमें जो स्टूडेंट है लड़कियां। भाई दोस्तों जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।